जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विजयपथ डिफेंस एजुकेशन। आज हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की हमारी ये जनरल साइंस की दूसरी क्लास रहेगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। डेली टॉप 10 जनरल साइंस की क्लास आपके लिए रहती है, बाईलैंग्गुअल क्वेश्चन है, आपको हिंदी इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेनली ये रहने वाले हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो है वो आपसे यही पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी अपडेट जो है हिमाचल पुलिस के एग्ज़ाम की शायद थोड़े ही दिनों में आने वाली है, क्योंकि पहले जो है वो हिमाचल पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो आपके ही अपने हिमाचल पुलिस के द्वारा ही उसको करवाया जाता था, लेकिन शायद अब जो है वो इसको HPSSC हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है हमीरपुर, जो कि इसको करवा सकता है। तो इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए रहेगा, जल्दी ही उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो जो है वो आएगी आपके लिए। अगर HPSSC एग्ज़ाम करवाता है तो आपको पता होगा कि जितने भी एग्ज़ाम हैं HPSSC के, वो सारे के सारे आपके 200 मार्क्स के रहते हैं, क्योंकि ये क्लास 3 की पोस्ट रहती है और इसमें आपका 15 मार्क्स का इवैल्यूएशन जो है वो ख़त्म कर दिया है। पहले 170 क्वेश्चन जो थे वो पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है वो 200 नंबर का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो रह सकता है, जिसमें हर किसी टॉपिक की वेरिएशन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है। आपके लिए एडवांटेजेस भी रहेगी, क्योंकि HPSSC का जो टाइम है वो ज़्यादातर 2 घंटे का एग्ज़ाम जो है वो आपको दिया जाता है, 2 घंटे का या 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होना तय है और 200 क्वेश्चन का आना भी तय है। तो जल्दी ही इसके रिगार्डिंग जो है वो एक वीडियो आएगी। HPSSC का ज़्यादा चांस है कि हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा वही करवाएगा, अगर ऐसा होता है तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो आपके लिए ज़रूर आएगी। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जनरल साइंस की क्लास 2 आपके सामने ये रहेगी। पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने पर क्या पदार्थ बनता है, मतलब ऐसा कौन सा सब्सटेंस बनता है जब मैं दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को किसी एक फिक्स रेशियो में जो है जब मैं उसको मर्ज करता हूँ, फिक्स रेशियो में उसको मैं बनाता हूँ, तब उस चीज को क्या कहा जाता है, तत्व यौगिक मिश्रण या ठोस, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर या फिर सॉलिड। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर आपका रहेगा कि जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस किसी एक फिक्स रेशो में सर्टेन प्रोपोर्शन में मिलाए जाते हैं, तब उस चीज़ को जो है वो कंपाउंड कहा जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं यौगिक उस चीज़ को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज 10^-5 meter, 10^-9, 10^-10 या 10^-15 meter। तो आप सभी को इतना शायद पता है कि जो साइज है न्यूक्लियस का उसको जो है वो फर्मी में कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्मी जो है उसकी वैल्यू होती है 10^-15 meter। तो 10^-15 आपका रहेगा ऑप्शन डी में, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, रेडियो सक्रियता किसका गुण है, मतलब रेडियो एक्टिविटी जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटोन की, न्यूट्रॉन की या फिर न्यूक्लियस की। तो रेडियो एक्टिविटी जो है उसका मुख्य कारण कहां से है, वो है नाभिक से, न्यूक्लियस से है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी के यूनिट जो है वो आपके क्यूरी बनाए जाते हैं, क्यूरी के बाद जो है इसके मेनली 3 यूनिट है। सबसे पहले नंबर पे है इसका यूनिट क्यूरी, दूसरे नंबर पे जो इसका यूनिट है वो है आपके पास हेनरी बैकुरल है, और तीसरे नंबर पे जो इसके यूनिट हैं वो माने जाते हैं आपके रदरफोर्ड जो है वो भी इसके यूनिट जो है वो माने जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्यूरी से, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैडम क्यूरी को जो है वो 2 बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है, एक बार 1903 में दिया है इनको और एक बार 1911 में दिया है, और इनकी बेटी जो है आइरिस
उसको 1935 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दुनिया की एकमात्र ऐसी मैडम क्यूरी वुमेन हैं, लेडीज हैं, जिनको 2 बार नोबेल प्राइज जो है वो मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लाल तप्त कोक पर जल बाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका मतलब है कि जब आप वाटर वेपर्स को किसी एक रेड हॉट कोक में जब उसको आप मिक्स करते हो और वहां से जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण जो है वो आपके पास बनता है, इसका मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब होता है CO और हाइड्रोजन गैस का मतलब है आपके पास H2। ये हाइड्रोजन गैस है, तो इस मिक्सचर को क्या कहा जाता है? तो इस मिक्सचर को जो है वो कहा जाता है वाटर गैस, या फिर आप बोल सकते हैं जल गैस। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका इस फोर्थ क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन काफी इजी है, फिजिक्स से क्वेश्चन रहेगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो आपको पता होगा इसका जो लाइट ईयर जो है ये यूनिट है हमारे डिस्टेंस का, दूरी का। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है। जल्दी से आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें ये पता चले कि आपकी तैयारी कितनी यहाँ तक हो चुकी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? इसका मतलब है कि लाइट जो है, लाइट वेव जो है वो किस प्रकार की वेव है? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? पिछली वीडियो में इसका मैंने सॉल्यूशन आपको बताया था कि प्रकाश जो है वो किस प्रकार की हमारी तरंग है। तो ये है हमारी ट्रांसवर्स वेव, जिसको अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, और साउंड जो है ये हमारी चलती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये पिछले वीडियो में आपका क्वेश्चन था साउंड वेव से, वहीं से क्वेश्चन ये आपके लिए पिकअप हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेमार्क जो थे वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बायोलॉजी बर्ड का यूज किया था। बर्ड जो है आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी जो आपका बर्ड है उसका सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, यूज किया था। लेकिन अगर मैं बात करूं अरस्तु की, तो अरस्तु एक ऐसे पहले इंसान हैं जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पौधों को रोग प्रतिरोधी किससे बनाया जाता है? मतलब कौन सी ऐसी क्रिया है जिनसे उनको रोगों से लड़ने के लिए ताकत जो है वो मिलती है? तापीय क्रिया से, थर्मल एक्शन से, हार्मोन क्रिया से, या फिर जंगली किस्म से प्रजनन करवा के, या फिर कोलीविसिन क्रिया से? तो कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? इसका जो सही आंसर है आपके लिए वो है जंगली किस्म से प्रजनन करवा के। जो भी हमारी ब्रीडिंग होती है वाइड वेराइटी की, जंगली किस्म की, उनसे जो है वो पौधों को उनमें ब्रीड प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे जो है वो जितने भी बीमारियां हैं उनसे लड़ने की उनको ताकत वहां से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? विच स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट एनिमल सेल फ्रॉम प्लांट सेल? ऐसी कौन सी चीज है जो आपके एनिमल और प्लांट सेल में जो है वो डिफरेंस शो करती है? राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोमियर है, सेंट्रियोल है? तो बायो का काफी डीप क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर आपके पास रहेगा वो है सेंट्रियोल। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करते हैं, ऐसा कौन सा पोल्यूंट है जो मोटर कार से निकलता है और मेंटल इलनेस, मेंटल डिजीज जो है वो वहां से शुरू होती है? तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड है, या फिर मरकरी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है मरकरी। मोटर कार का जो पोल्यूशन होता है उसमें से ह्यूज अमाउंट ऑफ मरकरी निकलता है, जिससे दिमाग की क्षमता जो है वो कम हो जाती है और मानसिक रोग जो है, मेंटल इलनेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है।
तो लेड का सिंबल जो है वो आपका पीवी यहाँ पे रहेगा, और इसका राइट आंसर ये है आपके पास ऑप्शन सी। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप्स के साथ आप ज़रूर जुड़ें, जिसमें आपको डे टू डे के करंट अफेयर, हिमाचल पुलिस जी के पीडीएफ नोट्स, बायलैंगुअल आपको करंट अफेयर मिलते हैं, साइंस, मैथ और जितने भी आपके हिमाचल पुलिस से रिलेटेड या फिर जो भी आपके ऑल इंडिया एग्ज़ाम रहते हैं उनके रिलेटेड सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। साथ में आज की इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, इसमें भी आपको डे टू डे के करंट अफेयर पीडीएफ स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। या फिर आपके सामने जो ये नंबर यहाँ पे नीचे दिया गया है, फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर के ऊपर भी मैसेज करके जो है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ या फिर टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को आप एक बार लाइक करें, शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।